नमस्कार दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के अंदर दो कुंडलियों का विश्लेषण किया और बहुत ही बढ़िया एनालिसिस किया गया है। आपसे आशा करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, क्योंकि अगर आपको भी ऐसा वीडियो चाहिए, हो सकता है इसमें आपका कुंडली हो, तो अगर आपको भी अपना ऐसा वीडियो एनालिसिस चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो के नीचे कमेंट करके डिटेल्स डाल दीजिए, जिससे आपका वीडियो बन जाएगा। इस वीडियो को आप हो सके तो पूरा ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दो कुंडली की। पहली कुंडली है जिनका जन्म हुआ 28 दिसंबर 1987, 5:25 श्याम का रेवा, मध्य प्रदेश। इनका जो कुंडली बनता है वो बनता है मिथुन लग्न का, 3 नंबर लिखा हुआ है। आप देख सकते हो मिथुन लग्न का कुंडली बन रहा है। इनका मालिक जो लग्नेश जो है वो बुध देव बन रहे हैं, वो चले गए 7th हाउस में। मतलब इनका जो लग्न काम करेगा शादी के बाद। अब देखिए इनके 2nd हाउस पे आते हैं, ये होता है इनका धन भाव। जो चंद्रमा बैठ गया कैरियर हाउस में जाके, गुरु के साथ गजकेसरी राजयोग बनाकर, गजकेसरी राजयोग मतलब चारों दिशाओं से इनको संपूर्ण लाभ मिलना। लेकिन राहु ने लगा दिया चंद्र ग्रहण दोष और गुरु को लगा दिया चांडाल दोष, तो इसको शांत करना जरूरी है। ये राहु को ठीक करने लगे तो गजकेसरी राजयोग का भी फल मिलेगा और हंस योग का भी फल मिलेगा। लेकिन केमद्रुम दोष भी बनता है, लेकिन गुरु का कैरियर है उसमें केमद्रुम दोष इतना फलित नहीं होगा। हालांकि गज केसरी राजयोग और हंस योग दोनों फल देंगे, क्योंकि धन भाव का मालिक और कर्म भाव का मालिक मिल गया तो ये दोनों फलित होने जरूरी है। तो राहु क्या कर रहा है यहाँ पे, ग्रहण दोष बना रहा है, चांडाल दोष बना रहा है। इसको शांत करने के लिए राहु का बीज मंत्र जाप करें, राहु का बीज मंत्र जाप करें और शनिवार को कुत्तों को रोटी दे, शनिवार को शाम को समय कुत्ते कुत्तों को रोटी दे तो इनका स्ट्रगल लाइफ में कम हो जाएगा और इनका गज केसरी योग और ये हंस योग काम करेगा। अगली बात करते हैं इनके सुख भाव में। सुख भाव में केतु बैठ गया तो सुख थोड़ा कम कर देगा घर का। 7th हाउस में मंगल बैठ गया तो मंगल क्या करता है, शत्रु बन जाएगा। जिससे ये प्यार प्यार करते हैं वो इनके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि शत्रु का मालिक प्रेम में आकर प्रेम को दूर करने का अंगारक दोष। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये अंगारे बरसाता है। मंगल क्या करता है, गुस्सा, गुस्से का मालिक, उग्र स्वभाव का मालिक। तो प्रेम जिनसे करेंगे वो बहुत उग्र रहेगा, बहुत गुस्से वाला रहेगा और इनका प्रेम जीवन से भरोसा उठा देगा। अब बात करते हैं देखिए इनके शादी के योग के बारे में। शादी का योग बन रहा है 2022 में, भाग्य उदय का योग बन रहा है शादी के बाद। जब भी शादी हो जाएगी उनका भाग्य का उदय हो जाएगा। जो बार ये 2023 में, स्ट्रगल कब तक रहेगा 2024 तक, गोल्डन टाइम कब रहेगा 2024 से 25 में, विदेश योग बन रहे हैं 2026 में। भाग्य का मालिक अस्त है, पिता से कम बनेगी और शादी में अलगाव व दूरी की भी स्थिति आ सकती है। उसके लिए उपाय मैं बता देता हूँ, शनिवार को गाय को रोटी देने से आपकी शादी लाइफ अच्छी हो सकती है, क्योंकि शादी लाइफ में दो दो पाप ग्रह, सूर्य भी एक क्रूर ग्रह अलगाववादी ग्रह और शनि भी क्रूर ग्रह अलगाववादी ग्रह बैठ गया, तो शादी को डिस्टर्ब जरूर करेंगे मिलके। इसलिए पहले ही बता देता हूँ, शादी के लिए, अच्छी शादी के लिए गाय को रोटी शनिवार को और शनिवार को कुत्तों को रोटी देने से आपका राहु भी अच्छा हो जाएगा। बात करेंगे अगली कुंडली जिनका जन्म है 8 नवंबर 1988, 7:25 दिल्ली। इनका जो कुंडली बन रहा है वो बन रहा है वृश्चिक लग्न का, वृश्चिक लग्न का। और इनके लग्नेश जो बन रहे हैं मंगलदेव, जो पंचम भाव में विराजमान है। ये भी देखिए, ये जिनसे प्यार करेंगे, जिससे भी प्रेम मोहब्बत करेंगे उनसे शत्रुता रहेगी। सेम योग यहाँ वाला यहाँ बन रहा है। हालांकि लग्नेश है, लग्नेश हमें वृद्धि करता है, प्रेम संबंध तो बहुत बनेंगे लेकिन लड़ाई झगड़ा रहेगा। शादी के घर में गुरु बैठ गया, शादी के लिए विलंबित करेगा। और 2018 में इनके शादी के योग भी बने थे या सगाई के योग बने थे तो वो भी टूटने के योग थे। शादी अगर हो भी गई हो जाती तो टूट भी जाती, सगाई होती तो टूट जाती। और देखिए इनका लगन में ये विदेश के योग में बुध सूर्य चंद्र, मतलब ये विदेश जाकर जरूर तरक्की करेंगे। 7वीं 8वीं दृष्टि से मंगल विदेश जरूर जाएंगे और विदेश में तरक्की भी करेंगे। शादी के योग थोड़े देरी हैं लेकिन शादी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। शादी लाइफ जो इनकी होगी वो अच्छी नहीं रहेगी। उनके लिए उपाय बता दूं मैं, गुरुवार का व्रत करें, भाग्य उदय विदेश जाने के बाद होगा, जॉब 2022 में लगने वाली है, स्ट्रगल 2026 तक रहेगा, गोल्डन टाइम 2026 से 28 में गोल्डन टाइम रहेगा और विदेश के योग जो बन रहे हैं 2024 में बन रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।